दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। 200 सब्सक्राइबर्स और 40,000 व्यूज कंप्लीट कर लिए हैं अपन लोगों ने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज। चलो इस बारे में आपको एमएक्स प्लेयर एंड एमेजोन वाली 5 वेब सीरीज बताता हूँ जिसको आप अकेले ही देखो तो बेहतर होगा। पहले नंबर पर आती है भौकाल। अभी इसका सीजन 2 भी आ चुका है एंड नवीन सिकेरिया मुजफ्फरनगर के हीरो के अलावा मेरे हीरो भी बन चुके हैं। क्या पर्सनैलिटी है अपने नवीन भाई की यार। ब्रीफ में बताओ कि ये पूरी वेब सीरीज का कंसेप्ट क्या है, तो वो ये है कि मुजफ्फरनगर क्राइम सिटी बन चुकी है एंड इसमें शहर में पुलिस नहीं गुंडे राज करते हैं। गुंडे दो गुट बन चुके हैं शहर में जिसने लोगों के मन में दहशत सी फैला दी है। एक गुट शॉकिंग चलाता है एंड दूसरा डेढ़ भाई। अभी इसी बीच में अपने नवीन भाई की पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में हो जाती है एंड यहाँ पर आने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ से क्राइम हटा कर रहेंगे वो। लेकिन दोस्तों जितना इजी दिखता है ना उतना होता नहीं है। अब ये समझो कि गुंडे लोग तो गोली चलाकर फ्री हो जाते हैं, पर पुलिस का क्या? अगर पुलिस गोली चलाए तो 100 सवाल खड़े हो जाते हैं एंड अगर नहीं चलाए देन ब्लेम लगता है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। इन शॉर्ट ऐसा समझो पुलिस दोनों जगह से फंसी। ये बैलेंस को मेंटेन करके पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है जो कि बहुत 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 मुश्किल काम होता है। दोस्तों मोहित रैना एंड बाकी लोगों की एक्टिंग काबिले तारीफ है। और हाँ, ये वेब सीरीज एयरफोर्स लगाकर ही सुनना। समझ गए ना क्या कहना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पर आती है इंदौरी इश्क। शायद आपको नाम से ही पता चल गया होगा दोस्तों कि इंदौरी इश्क का मतलब होता क्या है। अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ काहे का लोड लेना है इस जिंदगी में। कहानी एकदम क्लीशे टाइप है बट प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। एक बंदा एक बंदी के प्यार में डूब जाता है स्कूल में, देन इन दोनों में प्यार हो जाता है। फिर लड़का मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने का सपना लेकर इंदौर से मुंबई चला जाता है। दोनों प्रेमी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं बट देन लड़की चीट कर जाती है बंदे को एंड वो बंदा प्यार में धोखा खाकर पागल सा हो जाता है एंड नशे करने लग जाता है। फिर बंदे की लाइफ में और गर्ल्स भी आती है एंड वो नया प्यार स्टार्ट करने ही वाला होता है कि वापस उसकी लाइफ में यू टर्न आ जाता है जब उसकी पुरानी वाली प्रेमिका उसको कॉल करके वापस इंदौर बुलाती है। और तो और, अरे यारो अगर मैं ही सब बता दूंगा देन देखने का मजा किरकिरा हो जाएगा ना। इसमें मेन लीड रोल में है अपने ऋतिक भाई जो कैंपस डायरीज में भी दिख चुके हैं, वो भी एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। और हाँ, ईयरफोन्स लगा कर सुनना। समझ गए ना। आईएमडीबी रेटिंग है इसकी 7.3। तीसरे नंबर पर आती है रक्तांचल। यारो इसके 2 सीजन आ चुके हैं। सीजन 2 तो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। इसकी कहानी वाराणसी एंड पूर्वांचल एरिया से रिलेटेड है। इसमें भी गुंडों का राज होता है। अगर और डिटेल में बताऊं तो 2 तरीके गुंडे होते हैं, अच्छे गुंडे एंड दूसरे बुरे गुंडे। अच्छा गुंडा माने जो लोगों को मारता तो है बट बुरे काम के लिए एंड उस गुंडे का नाम है विजय सिंह। एंड बुरा गुंडा वो है जो पूरे इलाके में कत्ले आम फैला देता है एंड उसका नाम है वसीम खान। अब जो विजय सिंह है ना दोस्तों, मतलब अच्छा गुंडा, वो पहले कलेक्टर बनना चाहता था बट फिर उसके बापूजी को वसीम खान के गुंडे मार देते हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो भी गुंडा बनेगा बदला लेने के लिए। सीजन 1 के एंड में विजय सिंह मारा जाता है एंड सीजन 2 में देखो कोई नया गुंडा आता है या फिर विजय सिंह वापस जिंदा हो जाता है। देख के बताओ मुझे कमेंट्स बॉक्स में। चौथे नंबर पर आती है रीचर। यारो इसकी रेटिंग आईएमडीबी पे 8.3 है एंड इसका जो हीरो है ना उसको देखकर लगता है कि कोई हाथी चल रहा हो इंसानों के बीच में। अपने रीचर भाई की मसल एंड बॉडी बिल्डिंग बहुत ही तगड़ी है एंड अपने भाई को ट्रिपल एक्सल से भी ऊपर वाले कपड़े आते हैं। इस वेब सीरीज का थीम ये है दोस्तों कि मार्ग्रेव जो कि जॉर्जिया में टाउन है उसमें मर्डर होने स्टार्ट हो जाते हैं बैक टू बैक एंड उसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए रीचर एंड बाकी पुलिस फोर्स लग जाती है। मैं तो ये सीरीज जरूर जरूर रिकमेंड करूंगा उन लोगों को जो कुछ नया एंड इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं। 5 नंबर पर आती है थिंकिस्तान। भाई लोगों अपन कितने सारे एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं रोजमर्रा जिंदगी में बट कभी अपन ये सोचा कि एक एड को बनाने में कितना दिमाग लगता है? आपका क्या व्यू पॉइंट है कमेंट्स बॉक्स में बताओ मुझे। मेरा ऐसा था कि मुझे नहीं पता था कि इतनी मेहनत लगती है एक एड बनाने में। ये सीरीज में आपको एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी का एनवायरनमेंट दिखाया गया है जिसमें आपको एड के बिहाइंड द सीन्स, कॉर्पोरेट एंड क्रिएटिव कल्चर कैसे काम करती है, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह बताई गई है। ये सीरीज 1996 मुंबई के टाइम पर बनी हुई है एंड सबसे शॉकिंग करने वाली बात बताऊं दोस्तों, इसके 23 एपिसोड्स है एक सीजन में। चकरा गया ना। तो इनिशियली सीरीज इतना अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रही थी मेरा बट देन धीरे धीरे जैसे चीजें अनफोल्ड होती गई ना दोस्तों देन मेरा ध्यान इसमें और आता गया और इंटरेस्ट बढ़ता गया। आप देखो और बताओ मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में आपको कैसी लगी वेब सीरीज।